तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम आपको एक एक करके सभी टॉपिक अच्छे से बताने जा रहे हैं। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर रेलवे असिस्टेंट बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट बनने के लिए आपको क्या पढ़ाई करनी होगी, कौन सा कोर्स करना होगा, या इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या शारीरिक या शैक्षणिक योग्यता होती है, यह सब जानकारी हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको जानना है कि एक रेलवे ट्रैफिक ऑफिसर के बारे में, तो हम आपको अपनी वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी, इनका क्या कार्य होता है, इन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, या इनके एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होते हैं, यही सब जानकारी लेकर हम अपनी वीडियो में आए हैं और हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और जानने कि आप एक रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को स्किप करके देखने से आपको बहुत से पॉइंट समझ में नहीं आएंगे और आपकी वीडियो अधूरी भी रह सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहेंगे और आपको एक एक करके सभी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और जानते रहिए कि एक रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं, इसे बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया में रेलवे का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, साथ ही यह कई लाखों लोगों को नियुक्ता है। और आप रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित RRB NTPC परीक्षा के लिए उपस्थित होकर रेलवे में काम करने का मौका पा सकते हैं। रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट 7वीं CPC के वेतन लेवल 4 में RRB NTPC के अंतर्गत आने वाली नौकरियों में से एक है। ट्रैफिक असिस्टेंट बनने के लिए आपको न्यूनतम ग्रेजुएट होना चाहिए। आइए, 7वें वेतन आयोग के अनुसार रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट के कुल इन हैंड और ग्रोस सैलरी, जॉब प्रोफाइल और करियर ग्रोथ पर एक नज़र डालते हैं। रेलवे RRB NTPC ट्रैफिक असिस्टेंट वैकेंसी और प्रारंभिक वेतन क्या होता है। ट्रैफिक असिस्टेंट वैकेंसी एंड इंटेल पे ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए प्रारंभिक वेतन 25,500 है, जहां सभी RRBS के लिए कुल रिक्तियां 161 हैं। तो दोस्तों, हम आपको आगे की जानकारी अपने आगे की वीडियो में देते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। हमने आपको बताया कि रेलवे में क्या नौकरी होती है, इसमें आपको कितनी सैलरी दी जाती है। आगे की जानकारी जानने के लिए वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए आगे वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप जानकारी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट कैसे बने। तो आइए चलते हैं दोस्तों, ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल जानते हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल मुख्य रूप से स्टेशनों पर उनके वरिष्ठों की सहायता के लिए है। उन्हें यातायात या सिग्नल प्रभारी के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे गाड़ियों के सुव्यवस्थित आगमन में मदद करते हैं। वे स्टेशन मास्टर आदि के नीचे काम करते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट शैक्षणिक योग्यता क्या है, आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट बनने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं अब आगे की तरफ। RRB NTPC गुड्स कार्ड पद के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक डिग्री है।
ट्रैफिक असिस्टेंट आयु सीमा। तो दोस्तों, ट्रैफिक असिस्टेंट बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आइए जानते हैं कि इसके लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। आरआरबी भर्ती के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको इस पॉइंट में बहुत से पॉइंट क्लियर करवा दिए हैं कि आपको जो प्रोफाइल क्या होती है, इसमें आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु सीमा रखी गई है। हमने यह सब पॉइंट आपको अपने इस टॉपिक में बताया है। ऐसे ही आगे की जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट बताएंगे कि आपको एक असिस्टेंट बनने के लिए, रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट बनने के लिए क्या क्या करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि इसको करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है या इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एक रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट की क्या योग्यता होती है, ये हमने बता दिया है। चलते हैं अब आगे के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ट्रैफिक असिस्टेंट बनना क्या होता है, इसे बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। इसकी फुल फॉर्म भी हमने बता दी है और अब हम जानते हैं कि ट्रैफिक असिस्टेंट का क्या क्या कार्य होते हैं और दोस्तों इसे किस तरीके के कार्य करने होते हैं। रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट का मतलब, ये तो आप जान ही गए होंगे कि इसका मतलब रेलवे असिस्टेंट से जुड़ा होता है। रेलवे में कार्य करना, उसमें क्या क्या कार्य होते हैं, यह सब उसकी जानकारी रखना होता है, हमने आपको बता ही दिया है आगे के पॉइंट में। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे की जानकारी जानते रहिए और हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और बताते हैं कि ट्रैफिक असिस्टेंट की चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो आइए दोस्तों, आपको लेकर चलती हूँ अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रखी गई है। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के माध्यम से ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए चयन प्रक्रिया में दो ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षणों के साथ चार चरण शामिल हैं। इसके बाद एक कौशल परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। पहला चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT, दूसरा चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT, उसके बाद कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण, आरआरबी एनटीपीसी ट्रैफिक असिस्टेंट चिकित्सा मानक, आरआरबी एनटीपीसी ट्रैफिक असिस्टेंट मेडिकल स्टैंडर्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए योग्य होने की आवश्यकता चिकित्सा मानक A2 से है। उम्मीदवारों को नीट दिए गए चिकित्सा मानदंडों को पूरा करना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ और अपने फेसबुक और उस व्हाट्सएप पे आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप अपनी सोशल मीडिया पे भी हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक ज़रूर करें और दोस्तों, वीडियो को लेकर किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि हमने आपको बहुत से पॉइंट इस वीडियो में समझा दिए हैं कि एक ट्रैफिक असिस्टेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। रेलवे में ट्रैफिक असिस्टेंट बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों का पालन करना होता है, आपने यह सब कुछ हमारी वीडियो में जान ही लिया होगा। तो दोस्तों, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने आपको सैलरी क्या होती है या इसकी क्या योग्यता रखी गई है, किस तरीके परीक्षा पेपर पूछे जाते हैं या इसमें क्या क्या होता है, आपने सभी जानकारी जान ली होगी। हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वैसे तो हर किसी का सपना होता है कुछ ना कुछ बनने का। अगर आपका भी सपना है कि आप एक रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट बने तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। हमने आपको एक एक करके
पूरी जानकारी अपनी वीडियो में दी है कि एक रेलवे ट्रैफिक असिस्टेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, किस तरीके के एग्ज़ाम देने होंगे या इसकी क्या योग्यता होती है या किस तरह से इनके एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमने एक एक करके पूरी जानकारी अपनी वीडियो के टॉपिक में दी है। आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको एक एक करके सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आखिर तक देखोगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी वीडियो में ज़रूर मदद करेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।